नॉर्थ कश्मीर की हरिता रोड की हालत बस से बदतर हो चुकी है, जिसके चलते आज वहां के रहने वालों और आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल के लिए आए दिन देरी से पहुंचते हैं, काम में जाने वाले लोग वक्त पर अपने काम पर नहीं पहुंच पाते, मगर प्रशासन को सब कुछ पता होने के बावजूद भी बेफिक्र है। आज वॉइस ऑफ इंडिया के संवाददाता शाबिर खान ने जब AEE फिरदौस अहमद से बात की तो उन्होंने कहा दो दिन में सड़क का काम शुरू हो जाएगा। आइए सुनते हैं। यहाँ स्कूल में आते तो हम देर से पहुंच जाते हैं और हमें एग्जाम्स भी कल हमारे एग्जाम्स थे और हम लेट पहुंच गए और यहाँ पर रास्ते भी बहुत खराब है और यहाँ से बराबर यहाँ हर तार से यहाँ तक रास्ते बहुत ही खराब। पहले से ये खबर है कि पिछले 30 साल से इसी कंडीशन ऐसी है, कोई पूछता नहीं इस रोड को। हालांकि ये सोपोर और सुंबल सफापोर वगैरह ये ट्रैक जो है ना, ये टूरिस्ट ट्रैक भी है, मानसबल यहाँ से ही जाते हैं, लेकिन पिछले 30-35 साल से इसको कुछ नहीं हुआ है। सबको पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, हर एक मंत्री MLA पब्लिक को पूरे जो है ना, ये पूरा ये रीजन जो है, इस रीजन के हालांकि इसको उनको पता है कि ये रोड खस्ता है, यहाँ से कोई चलता भी नहीं है। अब कम से कम इसकी ट्रीटमेंट जो है ना, आगे स्ट्रेचेस जो बैड स्ट्रेचेस आगे हैं वो ठीक हो जाए, इसकी रेजिंग होनी चाहिए और फिर मेटनिंग होनी चाहिए। इस रोड पे आए थे इंडियन रोड जाते हैं, सुपोर से इंडियन जो रोड जाते हैं, चाहे नवेद खा जाता है, चाहे जितने भी इलाके हैं, हमें इंडियन रोड से, मैंने आज इन रोडों की बहुत खस्ताहाल सड़क देखी है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को इसके बारे में संजीदगी से नोटिस लेनी चाहिए, क्योंकि संग्रामा कौन अच्छा सी हो या सुपोर कौन अच्छा सी हो, अभी जो है सरकार भी PDP की है और मंत्री भी PDP का है, तो मुझे लगता है ये बदकिस्मती है सोपोर इलाके की। मैंने आपसे ऑलरेडी बात की थी कि विद इन 2-3 डेज हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, उसकी मोस्ट प्रोबेबली अलॉटमेंट आज हो जाएगी, तो विद इन कपल ऑफ डेज आप देखेंगे काम स्टार्ट हो जाएगा, ऑन ग्राउंड चल रहा है। इसका हमने क्लियरली मुझे याद नहीं है, 2.88 लाख करके अलॉटमेंट निकाला था G2 आउट ऑफ MNR, देखेंगे इंशाल्लाह ग्राउंड। आपने सुना फिरदौस अहमद को जो बता रहे थे कि अगले 2-3 दिन में काम शुरू होने की संभावना है। आखिर क्यों प्रशासन तब जगता है जब मीडिया जनता की आवाज को उठाता है। वॉइस ऑफ इंडिया ने प्रण किया है कि वो हर उस खबर को उठाएगा जो कश्मीर की आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। ये थी सपोर्ट से शाबिर खान की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.live।